लिए जो सबसे बड़ी फिक्र की बात है ना वो ये है कि इस तरह का स्पाइनलेस फॉर्म ऑफ क्रिकेट हमने इंडियन क्रिकेट टीम से कोई मेरे ख्याल से 20 साल से नहीं देखा कोई 90s में इस तरह का वो क्रिकेट खेलते थे कि मतलब बहुत ही लिथार्जिक किस्म की बॉडी लैंग्वेज हार्दिक पांड्या के अलावा कोई भी इंडियन टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं था फील्ड पे स्टेट के भाई आई एम फीलिंग गुड टूडे कि आज मैं ये जो टारगेट है ये मैं डिफेंड करके ही रहूंगा ठीक है ठीक है भाई पिच स्लो है आपके पास कोई ज्यादा अटैकिंग ऑप्शन नहीं है मगर यार कोई बॉडी लैंग्वेज नजर आती है आपके बॉलर्स में कोई फील्डर्स को कोई भाग रहे होते हैं उधर उधर एक दूसरे को बकअप कर रहे होते हैं इस तरह का कुछ भी नहीं मैच शुरू ही हुआ है पहले दो ओवर जब भूवी की स्विंग खत्म हुई है उसके बाद तो बस आपने जो हथियार डाल दिए यू गेव अप बिल्कुल भी समझ नहीं आई और इंग्लैंड की जो ये न्यू फॉर्म ऑफ क्रिकेट है जो कि पिछले दो सालों से खेल रहे हैं वो मारते नहीं हैं आपको वो मारते कम हैं वो घसीटते ज्यादा हैं दे ट्राई टू एम्बेरस यू दे ट्राई टू लाइक टारगेट योर स्ट्रोंगेस्ट प्लेयर और उसको एम्बेरस कर करके आपको डीमोरलाइज करते हैं वो और आपको असेंशली जलील करते हैं आपको एम्बेरस करते हैं आपको साइकोलॉजिकली टारिश कर देते हैं और इंडिया के पास कोई आज जवाब ही नहीं था यार कोई जवाब नहीं था कोई ऐसा प्लेयर खड़ा नहीं हुआ जिसने बोला कि नहीं आई विल आई बिलीव दैट वी कैन विन दिस मैच बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस आज इंडिया की तरफ से मैच शुरू होने से पहले ही मेरे ख्याल से एक किसी मेंटल ब्लॉक से वो सफर कर रहे थे बैटिंग इंटेंट में ही नजर आ रहा था रोहित शर्मा वॉज नॉट देयर के राहुल वॉज नॉट देयर इवन द ग्रेट विराट कोहली बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने शुरू में ठीक है मतलब ये पूरे टूर्नामेंट में ये एक इनका वो पैटर्न चल रहा है कि शुरू में बैट्समैन स्ट्रगल करेंगे विराट कोहली कंसोलिडेट करेंगे सूर्य कुमार यादव आके एक्सप्लोर करेंगे और एक अच्छा खासा टोटल तो, टांग तो, 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 तो देंगे और किसी तरीके से दे विल ट्राई टू डिफेंड द स्कोर मगर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एवरेज एक दिन ऐसा आएगा जब सूर्य कुमार यादव नहीं चलेंगे और आज वो दिन था और इंडिया ने कोई हार्दिक पांड्या के अलावा और वो भी बिल्कुल एंड पे आकर उन्होंने मेरे ख्याल से इन माय ओपिनियन बहुत जबरदस्त खेला मगर एक्सेलरेशन जो है बहुत ही देर से शुरू की मतलब कोई पंद्रहवें ओवर तक दे वॉज स्टिल हंड्रेड फॉर थ्री फॉर गॉड सिक्स पंद्रहवें ओवर तक एक सेमीफाइनल में ऑन अ प्रीटी डिसेंट ट्रैक आप छः रन पर छ रन पर ओवर पे चल रहे थे और आपके सिर्फ तीन खिलाड़ी आउट हुए थे और फिर हार्दिक पांड्या ने थोड़ी सी एक एक्सप्लूसिव धुआंधार किस्म की बैटिंग की देन यू वर एबल टू पुट अप अ लो पार स्कोर मेरे हिसाब से ये भी लो पार था क्योंकि जो इंडिया की जो बॉलिंग है वो उनकी वीकनेस है स्ट्रेंथ तो आपकी बैटिंग ही है ना बैटिंग के ऊपर आप रिलाय करते हैं कि मैं हम जो है एक ठीक ठाक स्कोर टांग देंगे और फील्ड में हम डोमिनेट करेंगे मगर बॉलिंग जो है हमारा वीक पॉइंट है उसको किस तरीके से कवर अप कर लेंगे मगर जब आपकी बैटिंग मेरे ख्याल से एक बार यू स्कोर हंड्रेड एंड सिक्सटी ओट आई थिंक सबकॉन्शियसली यू न्यू दैट दिस वॉज नॉट इनफ आपको पता था कि ये काफ़ी नहीं है और जब आप फील्ड पर उतरे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में नज़र आ रहा था अरजीत सिंह जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ रन अप करते हुए आ रहे हैं कोई उनमें कोई रिदम नजर नहीं आ रहा कोई इंटेंट नज़र नहीं आ रहा बस ई इज़ जस्ट पुटिंग द बॉल ओवर देयर भुवनेश्वर कुमार का यही पैटर्न है पहले दो ओवर में स्विंग होता है उसके बाद उनके उसके बाद उनके पास कोई प्लान नहीं है एक बार जब स्विंग खत्म होगा भाई साहब आप क्या करेंगे आप अंपायर से एक और नया बॉल मांगेंगे वो आपको नया बॉल देता रहेगा क्या आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो आपको थोड़ी सी ओल्डर बॉल हैंडल करनी ही नहीं ही नहीं आती और इंडिया की मुझे आज बिल्कुल जो मैं पिछले कुछ वीडियोस में भी बोलता रहा हूं कि बॉलिंग अटैक में जो चॉइसेस हैं बिल्कुल ही गलत हैं आपने दो फिंगर स्पिनर्स लगाए हुए अश्विन और क्या नाम है पटेल जो है दे विल बी मोस्टली कंटेनिंग रनस ठीक है विकेट कौन लेगा भाई भुवनेश्वर कुमार भी शुरू में अगर विकेट नहीं लेंगे बाद में आपको नहीं विकेट लेके देंगे वो अशदीप सिंह एक ऐसा टैलेंट है जो कि आपको विकेट लेके दे सकता है बट ही इज एन अप एंड कमिंग बॉलर शामी जो है बहुत लंबे ले ऑफ के बाद आ रहे हैं उससे भी आप मतलब आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आते ही यू नो एक टूर्नामेंट में बस पार्टी मचा देंगे आपके लिए और जैसे ही बॉल ठप्पा खाती थी देन इट वाज लाइक सिटिंग अप एंड टू बी हिट Alex Hills और बटलर की तो अयशी होगी ना दे वर लाइक दे व जस्ट प्लांटेड ऑन द बैकफर्ड और जो अब जहां मर्जी आ रहे हैं मार रहे हैं उठा उठा के मार रहे हैं आपको जलील कर रहे हैं छक्के एक छक्के छक्के चक, पे छक्का मारता जा रहा है दूसरा चौके पे चौका मारता जा रहा है और आप मुँह उठा के देख रहे हैं इधर उधर ड्रिंक्स ब्रेक होती है एज अ कैप्टन रोहित शर्मा यूर सपोज टू कीप योर कूल यू आर सपोज टू मोटिवेट योर प्लेयर्स और आप उनको डांट रहे हैं ये मुंबई इंडियंस में चलेगा बट दिस कैन नॉट दिस इज नॉट ऑन फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट यू हैव टू कीप कूल कभी आपने उसको देखा है uh, धोनी को लूजिंग स्कूल मतलब कितनी कितनी टफ सिचुएशंस में वो घुसा है वो बंदा एक बार भी जो उसके मुंह से कोई गाली निकली हो या कोई चीख पुकार निकली हो ऑल द ग्रेट कैप्टन इन द वर्ल्ड आप स्टीव वॉक को देख लें ही नेवर लॉस और रियली लॉस्ट स्कूल कभी कोई चीख पुकार उसने नहीं की इज वन ऑफ माई फेवरेट वन ऑफ माई फेवरेट कैप्टन धोनी के बाद बहुत ही अफसोसनाक इट इज इट इज एंडियन फैन तो मैं हूं ही मगर मैं उससे भी बड़ा फैन हूं इंडिया और पाकिस्तान एनकाउंटर्स का और क्या जबरदस्त एक एमसीजी में मैच होना था जो कि इंडिया ने गवा दिया अपना वर्ल्ड कप का चांस भी गवा दिया और एक बहुत जो रेयर अपॉरचुनिटी है कि इंडिया और पाकिस्तान का हिटर्ड को साइड पे करके एक ज़बरदस्त किस्म का एक रिपीट मैच हो एमसीजी में वो अब नहीं होगा कितने अफसोस की बात है एंड इट वाज एब्सोल्युटली स्पाइनलेस क्रिकेट आई एम एक्सट्रीमली डिसपॉइंटेड और मुझे ये लगता है कि देखें टीमों में ना इस तरह के फेजेस आते हैं आपके पास जब बहुत सारे स्टार होते हैं ना स्टार प्लेयर्स होते हैं फिर वो ऐसा नहीं होता कि वो फेज में रिटायर होते हैं फेजेज़ में रिटायर होते हैं वो सारे एक साथ रिटायर हो जाते हैं वो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ऑफ द लेट और द अर्ली नाइन्टीजेंड सारे के सारे एम ए मेगरा ग्रिल क्रिस्ट शेनम जस्टिन लैंगर ये सारे एक साथ ही रिटायर हो गए फिर आपकी टीम में ना वो एक वो कमी सी महसूस होती है कि, कि सर हमारे तो इतने जबरदस्त प्लेयर थे कहाँ चले गए सारे वो एकदम रिटायर हो जाते हैं इंडिया में भी अनफॉर्चुनेटली अब आहिस्ता आहिस्ता वो फेज आ रहा है विराट कोहली एक दिन रिटायर होंगे इंसान है वो भी एक दिन वन डे एज विल कैच अप विद हिम ही विल रिटायर वन डे रोहित शर्मा इज़ लूजिंग हिट हिज फिटनेस वीक आफ्टर वीट वीक ठीक है इतना बड़ा उनका पेट निकला हुआ है कोई उन्होंने अपना फिटनेस का ख्याल नहीं रखा आपने देख लिया जैसे ही रोहित शर्मा एक कैप्टन के तौर पे आए हैं इंडिया में उसके बाद से पूरी इंडियन टीम की फिटनेस भी डाउन हो गई है ऋषभ पांड का पेट निकला हुआ है अश्विन भी बूढ़े हो रहे हैं उनका भी पेट निकला हुआ है ठीक है जो आपका सबसे फिटेस्ट प्लेयर है वो अभी भी विराट कोहली है जब विराट कोहली कैप्टन था तो वो इंस्पायर करता था अपने लड़कों को कि देखो मुझे देखो मेरी तरह की फिटनेस करो मेरी तरह की डाइट आप लोग फॉलो करो अब आपके पास एक कैप्टन ही ऐसा आ जाए जो कि एक पैसेंजर हो हुज यू नो लूजिंग हिज फिटनेस आफ्टर ईच एंड एवरी वीक जो कि नज़र आता है जारी बात है यू नो योर पीपल योर योर टीम विल फॉलो यू तो खैर अब नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे आई थिंक इंडिया हैज लुक फॉरवर्ड ना अब ये वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया दे बिन कि वर्ल्ड कप ठीक है फेर एन ऑफ ठीक है इट वॉज ऑल ऑन द होल इट व गुड कैंपेन मगर इट वॉज डोमिनेटेड बाय नो मे बी अ कपल ऑफ पीपल एंड वन ऑफ परफॉर्मेंस ठीक है एक आपका सूर्य कुमार स्टार था इसमें टूर्नामेंट में एक आपका विराट कोहली स्टार था और मेरी ओपिनियन में एक आपका अर्शदीप सिंह स्टार था उसके अलावा कोई बंदा आपकी पूरी टीम में नहीं था एवरीबडी एल्स वॉज ए पैसेंजर या कोई फ्लूक हो गया तो हो गया ठीक है वन ऑफ सक्सेस मगर इन तीन प्लेयरों के अलावा कोई वर्ल्ड कप में प्लेयर नहीं था और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट वाला प्लेयर था वो सूर्य कुमार यादव ही था और सूर्य कुमार यादव नहीं चले जिस मैच में उसमें आपकी टंगे कामना शुरू हो जाती हैं तो अब इंडिया को देखना पड़ेगा फ्यूचर क्या है दे हैव टू लुक बियॉन्ड दीस पीपल आर रिटायरिंग मेरे ख्याल से विराट कोहली शायद एक और वर्ल्ड कप खेल क्योंकि यू you नो know, उनकी फिटनेस अलाउ करती है मगर रोहित शर्मा का मेरे ख्याल से ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा ठीक है ही इज नॉट लुकिंग फिट इनफ मे बी ही गोस बैक टू जस्ट वन डे क्रिकेट एंड टेस्ट क्रिकेट एंड आई I मीन mean, अगर वो फोकस करें तो अभी भी बहुत साल वो क्रिकेट खेल सकते हैं इंडिया को बहुत सर्विसेज दे सकते हैं मगर ही हैज़ टू ना स्लोली फेस हिमसेल्फ आउट ही इज हेर अ फेयर गो एट द वर्ल्ड कप नहीं बनी बात कोई बात नहीं बी द बिगर मैन गिव यंगस्टर हार्दिक पांड्या कर बी ए कैप्टन इंडिया नीड्स टू लुक बियॉन्ड द के एल राहुल एंड रोहित शर्मा पेयर ठीक है अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट वर्किंग आउट मे बी इट्स इट्स डन इट्स जॉब फॉर द टाइम इट वॉज सपोज टू डू अब ये टाइम आ गया है कि हम उनके बियॉन्ड देखें इसके बाद क्या है ठीक है विराट कोहली अभी ख़त्म नहीं हुए विराट कोहली हो सकते हैं उनकी फिटनेस की वजह से उनकी मेंटल मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से और जिस तरह के वो एक ही इज नॉट जस्ट अ प्लेयर ही इज ही इज एन एंटिटी राइट टीम इंडिया के लिए शायद वो थोड़ा और खेल सक, खेल सकते हैं शायद मुझे नहीं पता देखते हैं अगला साल कैसा चलता है मगर रोहित शर्मा मेरे ख्याल से इस टाइम टू से गुड बाय आई एम सॉरी माई फ्रेंड आई लव यू मगर मेरे ख्याल से बहुत हो गया है एशिया कप में भी डिपैकल हुआ अब ये डिपैकल हुआ ठीक है और मेरी जो सबसे बड़ी uh, मैं कह सकता हूँ इरिटेशन है रोहित शर्मा से कि उन्होंने कोई अपने बॉलिंग लाइनअप में कोई अटैकिंग ऑप्शन नहीं रखा सारे ही वो कंटेनिंग किस्म के बॉलर थे अश्विन कंटेन करता है पटेल कर, कंटेन करता है भुवनेश्वर कंटेन करता है अर्शदीप कंटेन करता है हार्दिक पांड्या विकेट टेकर है मगर वो ही इज ऑल राउंडर वो कितना काम करे यार हर काम वही करेगा ठीक है यूवी को आपने बाहर बिठाया हुआ है कुलदीप यादव को आपने बाहर बिठाया हुआ है ठीक है जो कि आपके एक ज़बरदस्त किस्म के स्पिनर्स हैं उनको आपने बाहर बिठाया हुआ है उमरान मलिक को आपने चांस नहीं दिया मोहम्मद सिराज को आपने चांस नहीं दिया जो कि रॉ पेस वाले लोग हैं जो कि इन कंडीशंस में दे आर हैंडफुल ठीक है एक्सपीरियंस नहीं है मगर एक्सपीरियंस दें ना भाई कोई अपॉर्चुनिटी तो दें ठीक ठाक आई पी एल के खेलते हैं लड़के हैं इनको इंटरनेशनल स्टेज पर कब लाएंगे आप जब उनकी पेस एक सौ तीस एक सौ बीस रह जाएगी तब इंडिया नीड्स सीरियसली नीड्स अ बोलर हु इज कॉन्स्टेंटली गोइंग एट वन फोर्टी वन फोर्टी फाइव क्लिक्सर यूएस वेरी डिसअपॉइंटिंग डे टू डे माई द इंडियन फैंस काफ़ी मुश्किल दिन है आज आज लगता है कि इंडिया ने वो वाली क्रिकेट खेली है जो कि हम पाकिस्तान से एसोसिएट uh, करते हैं मगर आज बिल्कुल ही इंडिया ने सरप्राइज कर दिया और इंग्लैंड ने जब एक बार अपॉर्चुनिटी देखी तो उन्होंने फुल एडवांटेज लिया सिचुएशन का एंड कन्ग्रेचुलेशन टू दैम अब देखते हैं फाइनल में क्या होता है लगता है बड़ी टाइट गेम होगी इंग्लैंड ने इन द रीसेंट पास्ट पाकिस्तान को बहुत डोमिनेट किया है बट पाकिस्तान जिस तरह के फ्लो में अभी चल रहा है कुछ भी हो सकता है लेडी इज ऑन पाकिस्तान साइड मगर देखना पड़ेगा संडे को क्या होता है एनी वेज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। चेस